हेलो वेलो फैक्ट भाई यार, और क्या कभी आपने एक इंसान को तरबूज को जन्म देते देखा है? नहीं तो आज देखो। ये क्या है? ये सीन देखने के बाद पूरे इंडिया ने भी यही सवाल किया होगा। अब इसे देखकर एक बात तो साफ है, सीरियल वर्स में लॉजिक ने पक्का सुसाइड कर लिया होगा। वरना आप बताओ, मार्वल वाले स्पाइडरमैन की ये सस्ती कॉपी बनाने की जरूरत इसमें थी? पर ये तो कुछ भी नहीं, सबसे खतरनाक सीन तो अब होगा। देगा पार्ट से हेडशॉट, जो काम बंदूक की गोली को करना था वो दीदी ने गुलेल से कर दिया। इस सीन को देखने के बावजूद अगर आपकी आंखों से खून नहीं निकला तो आइए इस कोशिश को जारी रखते हैं और शुरू करते हैं इलॉजिकल सीन्स का पागलपन। नंबर वन, नागिन में स्पाइडरमैन। अपनी शक्तियों का इतना गलत इस्तेमाल तो किसी सुपर विलेन ने भी नहीं किया होगा जितना गलत इस्तेमाल सोनी के स्पाइडरमैन के कॉपीराइट का किया है। और ये हरकत की भी तो किस लिए? सीरियल इच्छा प्यारी नागिन के लिए, जिसके कैरेक्टर से लेकर उसका नाम तक उधारी का लगता है। जैसे इच्छाधारी नागिन का नाम इच्छा और मकड़ी का नाम मकरांत। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेकर्स ने इनके नाम की तरह इनके पावर्स पर भी बिल्कुल मेहनत नहीं की है, क्योंकि देखिए ये कभी मुंह से एमडीएच का मसाला उगलता है तो कभी चालों की ये। अब इनकी माने तो ये मकड़ी भाई साहब असल जीवन में अंडर 19 क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन इनका निशाना देखकर ये कहना मुश्किल लगता है। फैक्ट भाई तो यही कहेगा, अच्छा है ये सीरियल बस एक ही साल चला, वरना लोगों का बचा खुचा लॉजिक भी दम तोड़ देता। पर मकरांत नहीं तो मकरीना सही। कलर्स टीवी पर विश में मकरीना ने मकड़ी महिला बनकर जो वेब शूट किया है उसका सस्ता VFX देखकर लोगों के क्या खुद स्पाइडरमैन के आंसू निकल आए। ये देखने से बेहतर तो आप ये देखें। नंबर टू, CID। एक मिनट, जरा संभाल के लड़की की लाश को मार मत देना। यस, आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना, ये लड़की की लाश को मार ना देने की ही बात कर रहे हैं। आप जिस शो में ऐसे तेजस्वी डॉक्टर होंगे उस शो का इस लिस्ट में होना तो बनता है, राइट? लेकिन 20 साल तक चलने वाले इस शो में इलॉजिकल चीजें करने का सारा क्रेडिट इनको नहीं दिया जा सकता। मेरा मतलब ये सीन देखकर बहुत से लोगों ने सीटियां मारी होंगी, पर क्या आप जानते हैं ये सीन अभिजीत की ओलंपिक वाली इस लॉन्ग जंप से इंस्पायर्ड है। अभिजीत इकलौता ऐसा शख्स है जो पहले इस शो में एज अ क्रिमिनल आने के बाद CID टीम का हिस्सा बने। इस शो का हर कैरेक्टर एक नमूना है, जैसे गड़बड़ घोटाले वाले ये अंकल जिन्होंने अपने 23 साल के बैंक वाले करियर को छोड़ा था, दरवाजा तोड़ने वाले ये हल्क जो अपने हर स्टंट खुद ही करते हैं, चुटकियों में टेस्ट का टेस्ट रिजल्ट देने वाले डॉक्टर सोलंकी, गरीबों की रामलीला और फेडरिक्स। ये भाई साहब एक्टर होने के साथ साथ इस शो के राइटर भी रहे हैं, शायद इसीलिए इस शो के डायलॉग इतने फनी होते हैं। नंबर थ्री, दिव्य दृष्टि। ये मोहतरमा के लैंड होने तक आइए इनकी स्टोरी देखते हैं। ये हैं दो बहनें, एक दिव्या एक दृष्टि, दोनों ही बचपन में बिछड़ जाती हैं। कैसे? पता नहीं। उसके बाद दोनों अलग अलग फैमिली में जाती हैं। कैसे? पता नहीं। लेकिन फिर भी बड़े होकर दोनों एक ही घर में आ जाती हैं। अगेन कैसे? पता नहीं। तो फैक्ट भाई को पता क्या है? यही कि इतने सब के बाद आता है 2019 में शुरू हुए इस सीरियल के राइटर का ओरिजिनल स्टोरी प्लॉट, जिसमें दोनों बहनें एक ही लड़के से प्यार करती हैं, फिर भैया सिलेक्ट करते हैं बड़ी वाली को और छोटी के दिल में पैदा होती है नफरत। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर नहीं, ये सीरियल है। यहाँ अगर सब ठीक होगा तो सीरियल देखेगा कौन? इसीलिए दूल्हा शादी होने के बाद भी दूसरी शादी करता है, क्योंकि उसकी माँ कहती है तुम दोनों इस शादी में खुश रहो, क्योंकि पहली शादी में तुझे वो खुशी नहीं मिली। आप स्वागत के दिन कृष का कॉस्ट्यूम पहनकर किसी दूसरी को बचाने जाओगे तो भाई सुख कैसे मिलेगा? ऐसे सीरियल देखने से अच्छा है लोग छत से छलांग लगा दें। अरे हाँ, छत से याद आया, वो अभी तक गिरी रही है। नंबर फोर, इश्कबाज। नाम से ही पता चलता है कि ये सीरियल कितना इश्कबाज होगा, क्योंकि इस सीरियल में हर किसी को बेइंतहा मोहब्बत है, फिर चाहे वो मोहब्बत लड़के को लड़की से हो या लड़के को लड़के से। कोई लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, लड़कों में इंटरेस्ट है भैया। इतना ही नहीं, इस सीरियल का बच्चा भी इश्कबाजी करता हुआ दिखाई देता है। जब पीपी के आगे के दो दांत टूट गए थे तब वो
वो कितनी क्यूट लगती थी। अब राइटर ने लिखे ही ऐसे करेक्टर कि क्या बताएं? इतना सब देख के भी आपको इरिटेशन ना हुआ हो तो ये देख लो। सबको लगा खेल खल्लास, पर नहीं, भाई ठहरे साक्षात आयरन मैन 4, क्योंकि इतना जब होने के बाद भी उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। जादूगर है, अब ये कौन है वो तो पता नहीं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। लेकिन ऐसा सब इलॉजिकल हो रहा होगा तो लोग तो कहेंगे ही, इससे अच्छा मैं जहर ना खा लूं। खैर, हैरानी की बात तो ये है कि शो से लॉजिक को निकाल फेंकने के बावजूद उसको 23 अवार्ड्स और 17 नॉमिनेशंस मिले थे। नंबर 5, इमली। ऐसा ही एक रिएक्शन आपका भी होगा, लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इस छोटे से पत्थर ने खाली जैसे गुंडे को गिराया ही नहीं बल्कि डराकर भगा भी दिया। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। इस शो की लॉजिकल कहानी को देखें तो एक जर्नलिस्ट जिसे आज तक रिपोर्टिंग करते हुए नहीं दिखाया, वो एक गाँव में जाकर फंस जाता है। तब उसकी मुलाकात इस परमानेंट मार्कर से किए 3 बिंदी वाली मोहतरमा से होती है और इसे ना भीगने की ये सजा मिलती है। ऐसे ही इमली के साथ करे परी। पर बाद में दुल्हन को पता चलता है कि इस जर्नलिस्ट की तो पहले से ही रिपोर्टिंग हो चुकी है। इसीलिए अपने सुहाग की खुशी के लिए ये मोहतरमा सौतन बन जाती हैं। लेकिन राइटर का खेल तो देखो, इमली के पति की जिससे शादी होती है वो इमली की सौतेली बहन निकलती है। सच नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो। इस शो के करंट स्टेटस की बात करें तो शो कई दशक आगे बढ़ चुका है, जहां इमली की बेटी को भी बेटी हो चुकी है। नंबर 6, जमाई राजा। बुरा ना मानो, होली है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, पर क्या कभी ये सुना है किसी ने पिचकारी से दुल्हन की मांग भर दी? नहीं ना। देखिए भाई साहब, कितने दूर से मांग भर रहे हैं, मतलब बंदा अगर ओलंपिक में जाए तो देश का नाम जरूर रोशन कर देगा। इस सीरियल की तरह एक और इलॉजिकल सीरियल है ये, गोपी बहू 2.0। जी हां, देखिए, मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया, प्लीज किसी को जल्दी भेजिए। अब आपको अगर पता चले कि एक लैपटॉप में वायरस है तो आप क्या करेंगे? लैपटॉप को फॉर्मेट करेंगे, उसमें एंटीवायरस डालेंगे या हवन करेंगे? पर अब इस मोहतरमा का दिमाग देखो, भले टॉयलेट क्लीनर 99% वायरस का खात्मा करता है, फिर भी आप इसे लैपटॉप पर डालोगे? लेकिन साथ निभाया साथिया 2, इस मोहतरमा को आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहन का गुस्सा हमेशा नाक पर होता है। मैं स्टेप इट, आप स्टेप इट। अब आप ही बताइए, ऐसे सीरियल्स को इलॉजिकल कहना गलत है या सही? नंबर 7, आशिकाना 3। अब फैक्ट भाई, जिस शो की बात करने वाला है वो सीरियल नहीं, एक OTT सीरीज है, जिसमें लोग कॉन्डोम के इतने दीवाने हैं कि शो में कॉन्डोम को ही हथियार बना डाला है। ये देखो, आप ही बताओ ये कहाँ का लॉजिक है? और ये तो कुछ भी नहीं, टीवी सीरीज कितनी ओपन माइंडेड है ये भी आप देख ही लो। इस शो का मेन लीड भले शक्ल से भोला ना दिखता हो, पर हर बार ये अपने भाई के चक्कर में फंस जाता है। और शो की हीरोइन, तो सिर्फ लड़कों को सेक्स चाहिए होता है, लड़कियों को तो सेक्स चाहिए होता है यार। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इनकी एक्टिंग देखकर तो आप भी कहोगे बहन का स्क्रू ढीला है। हे भगवान, अगर मैं यश को लास्ट टाइम देख रही हूँ तो काश यश ने दूसरी टी शर्ट पहनी होती, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हुए। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये नहीं, ये देख कर भी इनको जज करो। मेरे हाथ में मेहंदी लगे डोरी बांध दीजिए ना, मेरे हाथ में मेहंदी लगे डोरी बांध दीजिए ना। डोरी बांधने के लिए हाथ में मेहंदी और फोन चलाने के लिए मेहंदी गायब, अब ये पागल है या नहीं ये आप डिसाइड करें। पर ये सीरियल कितनी झंडू है इसका अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा। तो ये थे दिमाग को घर के बाहर रखने वाले सीरियल्स, पर अभी भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो ये देखिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे और कौन से लॉजिकल सीरियल्स आपने देखे हैं। और अगर आपको ऐसे ही फनी सीरियल्स देखने में मजा आता है तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके इंडिया की फनी फीमेल सुपर हीरोज को देख सकते हैं, जिसमें बहू हमारी रजनीकांत से लेकर बिजली जैसी फीमेल सुपर हीरोज हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, दुआ में याद रखना। जय हिंद।